हेलो एंड वेलकम टू ग्रेड अप स्टडी डॉट कॉम। तो लीजिए, हम आपके लिए लेके आ चुके हैं जीके का 1000 क्वेश्चंस, जो कि मैंने डायरेक्टली अपने नोट से लिए हुए हैं, ठीक है, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है। तो इस जीके 1000 क्वेश्चंस में हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स तक हमने इसमें इंक्लूड की है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसका जो रोल रहेगा आपके इस एग्जाम में वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। मुझे काफी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर जीके का भी कोई एक कोर्स लॉन्च करिए ताकि हम अपनी पकड़ जो है वो जीके में भी अच्छी बना पाए। तो उसी को पॉइंट आउट करते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं जीके का 1000 वन लाइनर क्वेश्चंस, जिसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। इसमें सब कुछ कवर है। अब देखिए, वैसे तो हम काफी हद तक जीके पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमने ज्योग्राफी पढ़ी थी इंडियन की, फिर हमने वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद हमने हिस्ट्री कंप्लीट की थी, मॉडर्न, मेडिवल और एशियंट, ठीक है। तीनों प्रकार की जो हिस्ट्री थी वो हमने कवर करी थी, ठीक है। और अभी चल रही है आपकी पॉलिटी, ठीक है। और उसके बाद आपकी बचती है इकोनॉमिक्स। तो सब्जेक्ट वाइज तो हम काफी कुछ कवर कर चुके हैं, लेकिन ये ई बुक अपने आप में अलग रोल प्ले करेगी, ठीक है। तो इस ई बुक को कम से कम आपने 5 टाइम, तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं कि आपने इसको कैसे पढ़ना है। कम से कम आपको इस ई बुक को 5 टाइम गो थ्रू करना है। कितनी बार? 5 टाइम गो थ्रू करना है। 5 टाइम कंपल्सरी है, ठीक है, कंपल्सरी है। अभी काफी टाइम है, ठीक है, अभी कोई डेट फिक्स नहीं हुई है एग्जाम की, ठीक है। जिस टाइम ये वीडियो बन रही है तो कोई भी एसपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की डेट फिक्स नहीं हुई है, ठीक है। तो आपके पास समय है, तो आपने करना क्या है कि इस बुक को आपने 5 टाइम गो थ्रू करना है, ठीक है, 5 टाइम गो थ्रू करना है। और जब आपका एग्जाम होगा, ठीक है, मान लिया जाए कि आपके एग्जाम की डेट फिक्स हो चुकी है, ठीक है, तो एग्जाम में जाने से पहले आपको 2 टाइम, ठीक है, 2 टाइम आपको इसको गो थ्रू करना है, इसको रिवाइज करना है, ठीक है। और ये हमने इस तरह से बनाए हुए हैं कि आप इनको कम से कम 2 से 3 घंटे में आप इसको कवर कर सकते हो, अगर आप इसको आराम से पढ़ोगे तो, ठीक है। तो ये काफी शॉर्ट प्रोसेस है रिवाइज करने का, ठीक है। और ये ई बुक हिमाचल प्रदेश पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम के लिए काफी शॉर्ट टर्म मार्क्स गेनिंग होने वाली है, ठीक है। तो मैंने इस ई बुक को अपनी वेबसाइट gradeupstudy.com में लॉन्च कर दिया है, तो वहां पर आप डायरेक्टली विजिट करके इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो इस ई बुक को लाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपके मार्क्स जो है वो 16 out of 16 तक आ जाएं, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चंस आते हैं उनका लेवल इतना हाई नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है, अगर आप उनको एक बार देख भी लेते तो उसको आप कर सकते थे, ठीक है। उनको याद करने की जरूरत होती नहीं है, बस एक बार गो थ्रू करने की जरूरत होती है, ठीक है। अगर आपने उस क्वेश्चन को कभी पढ़ा ही नहीं है तब आप उसको नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने उसको एक बार भी पढ़ लिया और वो आपके एग्जाम में आ जाए तो वो आप 100% उसको एग्जाम में करके आओगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारी वेबसाइट का, तो डायरेक्टली आप वहां पे विजिट करके आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। तो इस समय हमारे टोटल 3 कोर्सेज जो है वो चले हुए हैं, ठीक है। पहला कोर्स है हमारा फुल मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है, इसमें आपको मिलेंगे टोटल 17 मॉक टेस्ट, ठीक है। और सेकंड है हमारा जनरल साइंस की ई बुक, जिसमें आपको मिलेंगे टोटल 500 क्वेश्चंस, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और हमारे जो एस्पिरेंट है वो काफी ज्यादा इस ई बुक को पसंद कर चुके हैं और ये एट प्रेजेंट टाइम पे नंबर 1 पे चली हुई है, ठीक है। और काफी सारे जो हमारे एस्पिरेंट हैं उन्होंने इस फुल मॉक टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको मिलेंगे टोटल 17 मॉक टेस्ट, ठीक है। और तीसरा जो कोर्स है उसके बारे में तो आपको पता ही होगा, ठीक है, जिसमें आपको मिलेंगे 1000 क्वेश्चंस, जो कि डायरेक्टली हमारे नोट्स यानी कि जो मेरे नोट्स से लिए गए हैं। तो एक बार आप जरूर इसको गो थ्रू करिएगा, ठीक है। बस शर्त यही है कि आपको ये 5 टाइम गो थ्रू करने हैं, ठीक है, 5 टाइम गो थ्रू करने हैं। और एग्जाम जाने से पहले, ठीक है, एग्जाम देने से पहले आपको 2 बार इसको उसके बाद रिवाइज करना है, ठीक है। 2 से 3 घंटे लगेंगे इसको रिवाइज करने में, अगर आप इसको आराम से सही ढंग से रिवाइज करोगे तो, ठीक है। बस आपको इतना ही काम करना है, ठीक है। तो ये थे हमारे कोर्सेज जिनके बारे में मैंने आपको बताना था। आई होप आपकी तैयारी बिल्कुल सही चल रही होगी और ये जो हमारे कोर्सेज है ये आपके इस तैयारी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।